नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में सपा के सितारे आजकल गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। तभी तो पहले स्वामी, फिर पल्लवी और अब तो बीजेपी भी सपा की डगर कठिन करने में कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। तभी पहले मझधार में अटके सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के रास्ते में बीजेपी 8वें कैंडिडेट के रूप में एक और रोड़ा अटकाने का चक्रव्यूह पूरी तरह से रच चुकी है, जिसके बाद अब ये लगभग साफ हो चला है कि उधर सपा का ध्यान भटका और इधर बीजेपी का खेल पक्का। तो कुल मिलाकर संजय सेठ के नामांकन के बाद आखिर क्या होगा राज्यसभा का चुनावी समीकरण, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज बात होगी राज्यसभा में बदलते हुए गणित की, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर हर जगह जोड़ तोड़ चल रही है, समीकरण बैठाए जा रहे हैं, अंदर खाने विरोधी दल के विधायकों तक सेंध मारी की कोशिश हो रही है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो अपनों से ही नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की राज्यसभा की एक सीट फंस गई है और ये सीट किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथियों ने ही फंसाई है और इसका फायदा अब बीजेपी उठाने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने संजय सेठ के रूप में अपना तुरप का इक्का फेंक दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ को राज्यसभा का 8वां उम्मीदवार बना दिया है और उन्होंने नामांकन भी कर दिया। संजय सेठ समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव का राज्यसभा सीट के लिए जो खेल बिगड़ा है उसके पीछे है पीडीए। अखिलेश यादव जिस पीडीए का नारा बुलंद करते हैं उसी नारे पर साथियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव हर जगह पीडीए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। अखिलेश यादव अपनी पूरी सियासी लड़ाई इसी नारे के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने अब एक ऐसा फैसला लिया है जो उनके ही कुछ साथियों को रास नहीं आ रहा। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का दावा है। इसके लिए उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं। सपा के 3 उम्मीदवारों में से एक है जया बच्चन, दूसरे हैं आलोक रंजन और तीसरे हैं रामजीलाल सुमन। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर दिया है, लेकिन इन प्रत्याशियों को देखकर अपना दल कामेरावादी के नेता और सपा के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल भड़क गए हैं। पल्लवी पटेल वो नेता हैं जिन्होंने कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हराया था। इस लिहाज से वो बड़ी नेता मानी जाती हैं। चूंकि अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के इन प्रत्याशियों में से इन्हीं समाज से आने वाले चेहरों को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें उन्हें निराशा लगी है। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों में से सिर्फ रामजीलाल सुमन है जो दलित समाज से आते हैं। पल्लवी पटेल का सवाल है, जब नारा पीडीए का है तो प्रत्याशियों के चयन में पीडीए को नजरअंदाज क्यों किया गया? अपना दल की पल्लवी पटेल ने कहा, अखिलेश यादव घोषी से फॉरवर्ड को टिकट देते हैं, राज्यसभा में टिकट देते हैं रंजन और बच्चन को। ऐसे में पीडीए अखिलेश के लिए केवल एक नारा है, जमीन पर वो दिखता नहीं। जया बच्चन ने ऐसा क्या किया है जो उनको टिकट दिया गया? रंजन ने अपने कार्यकाल में पिछड़ों का विरोध किया, ऐसे में मैं इनको वोट नहीं करूंगी। मुझे इन सब मामलों पर अखिलेश जी से नाराजगी है। अखिलेश का पीडीए जमीन पर नहीं दिखता। एक तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल है। इसके बाद एक सवाल और उठता है कि जब भी कोई नेता अपनों पर इस तरह के सवाल उठाता है तो उसके सियासी भविष्य को लेकर भी अटकलें शुरू हो जाती हैं। पल्लवी पटेल के हाव भाव देखकर भी यही सवाल उठता है, क्या पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है? अब जरा आंकड़ों के जरिए इस सीट की कहानी को समझिए। ऐसे में यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मौजूदा गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर दावा ठोका है, लेकिन ताजा सियासी हालात को देखकर बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के भीतर असहज महसूस करने लगे हैं। उन्होंने भी पीडीए के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने कहा वो पीडीए को जोड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य उखड़े उखड़े हैं, भले ही वो विधानसभा के सदस्य नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की लीडरशिप में ही चलते हैं। ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने
कुछ बड़ा फैसला ले लिया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट मुश्किल में फंस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बीजेपी के आठवें कैंडिडेट उतारने के साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव के समीकरण को बदलता उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मुन्ना खान जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जितेंद्र वर्मा जी सपा प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी आपसे ही यहाँ पर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आठवें कैंडिडेट को उतारा है और समाजवादी पार्टी के अंदर से ही विरोध के कई सुर उठ रहे हैं, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, तीन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका रास्ता क्लियर देख पा रहे हैं आप कि नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तीन प्रत्याशी घोषित किए हैं जी, और तीनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। हमारे पास नंबर पूरे हैं, जितने विधायक हमारे तीन राज्यसभा सांसद जीतने के लिए चाहिए उतने हमारे पास पर्याप्त। समाजवादी पार्टी की अपनी बड़ी ताकत है, जो संख्या चाहिए उतने विधायक हमारे नहीं, लेकिन जो समीकरण निकल कर सामने आ रहा है वो तो 108 का ही निकल कर आ रहा है, दो और यदि आपके पास मिल जाते हैं तो 110। देखिए अभी और भी है, केवल वो 110 नहीं है। अब कुछ चीजें इंटरनल होती है, बोली नहीं जाती है। तीन कैंडिडेट हमारे जीतेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी एक कैंडिडेट जो खड़ा कर रही है ये चुनाव हारेगा। पल्लवी पटेल का जिस तरह से कहना है कि वो वोट नहीं करेंगी, उस मामले पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि जो भी अंदरूनी पार्टी का मामला है उस पर जो है वो खुद ही बैठ के बातचीत करेंगे। वो पार्टी के अंदर की बात है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मामला हो और चाहे पल्लवी पटेल जी का मामला हो, पार्टी के दोनों सीनियर नेता है और वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसको लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ किया है पार्टी में बात चल रही है, वो अपने उसको मामले को पार्टी स्तर से ही उसको घर का मामला सुलझा लिया जाएगा। यानी कि आपको यकीन है कि आप मामला सुलझा लेंगे? बिल्कुल, तो फैमिली का मामला है, हमारे परिवार का मामला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पल्लवी पटेल जी परिवार के सदस्य है तो, और लोकतंत्र है समाजवादी पार्टी में, देखिए लोग अपनी बात तो रखते ही कम से कम। अभी बीजेपी होती तो पता नहीं रेस्टिकेट हो जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी है, सम्मान है, हमारा परिवार है, बस हमारे परिवार के सदस्य है, उसमें कहीं कोई ठीक है जितेंद्र जी। लेकिन पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सात कैंडिडेट उतारे थे, संख्या के हिसाब से उनके साथ आपके तीन थे, आठवां कैंडिडेट अलग से जिस तरह से संजय सीट के रूप में उतारा है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बदलता गणित देख रही है इसलिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान के खिलाफ काम करती आई है, वो जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने में माहिर है, ठीक है, लेकिन उनकी यहाँ पर कोई भी जोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति चलने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक है, नीतीश कुमार छोड़ो है, ये कोई एनसीपी छोड़ा है जो विधायक तोड़ ले गए, अच्छा ये कोई सेवा सोरेन नहीं जिनको उठा के जेल भेज दिया है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बड़े तटस्थ होते हैं और सोशलिस्ट विचारधारा पर बिल्कुल समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हमारे पास है। और अभी देखिए और भी तो दलों में विधायक है, केवल समाजवादी पार्टी के विधायकों के दम पर तो हमारी संख्या पूरी होगी, हमें पूरा भरोसा है और हम पूरा इसका भरोसा रखते हैं, लेकिन अभी और भी तो दलों के विधायक है वो भी तो हमारे साथ है, अभी कौन कौन है, वो अभी चुनाव होगा, वोटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी तो अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, मुन्ना खान जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। मुन्ना खान जी क्या लग रहा है आपको, एक तरफ समाजवादी पार्टी की संख्या को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि संख्या कम हो सकती है और दो राज्यसभा कैंडिडेट जा सकते हैं यदि सपोर्ट नहीं मिलता है, दूसरी तरफ आठवां कैंडिडेट जो बीजेपी ने उतारा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो कह रहे थे कि तीन कैंडिडेट है जो 100% जीतेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि कुछ सहयोग तो दल का तो है ही जी। उसके बाद जो इनके दोस्त है, जो इनके कई दल है, छोटे छोटे जो दल है, उनका साथ भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात हो चुकी है, उनका भी वोट, उनका भी मतदान ये तीनों कैंडिडेट के लिए ही होगा। बाकी हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की ये विश्वास हो चला है कि तोड़ जोड़ की राजनीति से ही हम कामयाब हो सकते हैं, किसी की सरकार तोड़ दो, किसी के राज्यसभा सांसद को तोड़ दो, किसी के वोट खरीद लो, किसी के मत खरीद लो, किसी की फैक्ट्री खरीद लो, तो खरीद बिक्री के खरीद फरोख्त के काम अब बंद हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ न्याय हुआ, ठीक है, चुनाव के दौरान जानबूझ के इसे
रोका गया ताकि ये जीत ना पाए और सरकार इनकी ना बन पाए। कई ऐसे सीट है, 67 सीट ऐसे हैं जहां पे जीती हुई पार्टी, जीते हुए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने डीएम को कहकर हराने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश की जनता को बखूबी पता है। दूसरी बात, अभी आपने पटेल की बात की, वो आपने देखा किस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री को हराने का काम किया, तो वो स्वाभाविक है कि वो अखिलेश यादव जी के खिलाफ नहीं जा सकती। तो वो ये अनुप्रिया पटेल उनकी बहन है, लेकिन वो बहन की बात नहीं मानी, समाजवादी विचारधारा में आई, तो समाजवादी विचारधारा, लेकिन उनका कहना है कि रंजन और बच्चन के लिए वो वोट नहीं करेंगी। ये देखिए, ये कहने की बात होती है, अभी आपस में सदन में मीटिंग इनकी होनी है, जहां तक मुझे नॉलेज है 6 बजे शाम की, तो मैं समझता हूँ ये मामला सुधार लिया जाएगा और ये उनको वोट करेगी। ठीक है, बीजेपी से नेता केसी जैन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट जो उतारा गया है, आपको क्या अंदेशा राज्यसभा के समीकरण में बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के बाद इस कैंडिडेट को उतारने का निर्णय लिया गया है? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास जो संख्या बल है वो पर्याप्त होने के बाद अगर हमारे पास पे कुछ वोटर्स बचते तो उन वोटर्स को या तो एक्स्ट्रा वोट करके उन तक जो है पहुंचा दिया जाए, या फिर उन वोटरों के लिए अलग से कैंडिडेट हो। तो हमारे पास जब संख्या बल पर्याप्त है, हमारे पास अतिरिक्त वोटर्स बच रहे हैं, तो उनके लिए हमने कैंडिडेट उतारा है। दूसरी बात जो आपने कही उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से विखंडन साफ साफ दिखाई दे रहा है और तमाम सारी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, इनके जो घटक दलों के जो विधायक है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वो तो है, लेकिन घटक दलों के जो विधायक है वो टूट रहे हैं, और घटक दल कोई पार्टी में मर्ज तो हुआ नहीं है। जब पार्टी मर्ज नहीं हुई है, उसको स्वतंत्र अधिकार भी है, वो जिसको चाहे उसको वोट दे, वहां पे कोई दल बदल कानून भी नहीं लागू होता है। ऐसी स्थिति में वो चाहे प्रिया पटेल हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या आप देखिए कि राष्ट्रीय लोक दल के भी तमाम सारे जो विधायक है, तो ऐसे भी उनकी अलग अलग राय है। लेकिन जितेंद्र वर्मा जी का कहना है कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो सुधार लेंगे, उसमें बीजेपी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, ये तो कहना उनकी मजबूरी है, लेकिन यही बात ये राजभर जी के बारे में भी कहते थे जब राजभर जी इनकी पार्टी में गए थे, और भी कई लोगों के बारे में इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी ने कही। लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को ही संभाल करके नहीं रख पाती है। आपने देखा होगा प्रियंका जी कि माननीय शिवपाल यादव जी कितनी बार अपना अलग पार्टी बनाए, कितनी बार पार्टी में गए, कितनी बार पार्टी से वापस आए, समर्थन दिया नहीं दिया, आज पार्टी मर्ज होकर के अपना एक साथ में है, अलग बात है। लेकिन शिवपाल जी की भी कंडीशन देखी गई, जबकि वो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और उनके चाचा भी है, उसके बाद में उनकी क्या स्थिति रही पार्टी में। तो हसीन सपने देखना ना देखना, ये काम तो समाजवादी पार्टी करती है जितेंद्र जी, और केवल यूज एंड थ्रू करने का काम अगर ये कर रहे हैं, तो इसको अगर दूसरे जो पार्टियां हैं उनका भी अपनी कहीं ना कहीं किसी मंशा के तहत समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, और गठबंधन करने के बाद आप देखिए कि जिस प्रकार से सुभाषपा को जिस प्रकार से लठाड़ लगाने का काम किया, ये भी कहा आपके लिए बाहर का दरवाजा खुला है, और जब वो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उसके लिए ये भी कहा गया बहुत छोटा दल है, कितने विधायक हैं, क्या है, तो जब छोटा और बड़ा ये इतने बड़े दल के लिए कह सकते हैं, तो अनुप्रिया पटेल जो अनुप्रिया पटेल जी का वो है उसमें कई लोग हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति तो खराब ही है समाजवादी पार्टी, और मेन चीज ये है कि समाजवादी पार्टी घटक दल है, कांग्रेस का जो एक विधायक है वो कहाँ पे वोट देगा, ये भी कंफर्म नहीं अभी तो। अच्छा, मुन्ना खान जी सुन रहे हैं, मुन्ना खान जी जी, ये तो आप बड़ी सवाल उठा रहे हैं केसी जैन जी। देखिए, इनके सवाल उठाने से कुछ नहीं होता, इनके इनको जो सवाल का जवाब है ना वो कल मिल जाएगा, ये तो सवाल ही उठाते हैं, सवाल के सिवा तो इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। ये बताएं कि आज जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात है उसके जिम्मेवार कौन है, क्या इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री नहीं है जो लच्छेदार भाषणों में जो उत्तर प्रदेश की जनता को जो गुमराह करने का काम किया, इसकी जिम्मेवारी लेते हैं नहीं लेते, किस तरीके से वहाँ एक जो सबसे मजबूत दल जो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया
श्री अखिलेश यादव जी है, उनको अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणी करने का काम इन लोगों ने किया, उनके पार्टी को तोड़ने का मरोड़ने का काम किया, किस तरीके से वहाँ उन पर लांछन बार बार लगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरी बात बता दूं कि जो ये 3 सीटें उत्तर प्रदेश में जो जीतने जा रही है अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को, मैं एडवांस में उन्हें बधाई देता हूँ कि वो 3 सीट जीतेंगे। बाकी जो ये 8वां कैंडिडेट की है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा जो जाने वाले व्यक्ति को रोका जाए, तो मैं समझता हूँ ये निरस्त साबित होंगे, इनके मुंगेरीलाल के हसीन सपने वाले ही बात। चलिए ठीक है, वो तो समीकरण समय आने पर दिख जाएगा। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है? जी जितेंद्र जी, राज्यसभा के गणित की बात तो ठीक है, चुनाव में समझ में आ जाएगी, लेकिन पल्लवी पटेल का जिस तरह से आरोप सामने आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अब ये कहना है कि जिस पीडीए की बात बार बार समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो कहते हैं, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें कुछ परसेंट से नहीं 100% पीडीए चाहिए, और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कहना है कि वो लगातार पीडीए को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, जिस पर पार्टी ने उनको निजी बयान बताकर उनको आहत करने का काम कर दिया। तो पीडीए को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं, जिस पीडीए का आप दावा करते हैं, वो आपकी पार्टी में धरातल पर नजर नहीं आ रहा, आपके नेताओं को नजर नहीं आ रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के और पल्लवी पटेल जी के बयान पर उन्होंने कह दिया है कि पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है, पार्टी के सीनियर नेता उसको बैठ के पटाक्षेप कर लेंगे, समाधान और समस्या का हल हो जाएगा। बात पीडीए की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अभी समाजवादी पार्टी के 16 कैंडिडेट घोषित किए गए थे। उन 16 कैंडिडेट्स में 4 कुर्मी कैंडिडेट्स थे जो पीडीए में ही आते हैं, आपके 3 सामान्य जात के थे वो भी पीडीए के ए में आते हैं, जिसमें अगड़ा और आदिवासी और आदियाबादी का जिक्र समाजवादी पार्टी ने किया है, और उसके अलावा उसमें 2 शाख के बिरादरी के, यानी वो भी बैकवर्ड समाज नहीं के, तो क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है कि लोग समाज के, एक दलित समाज के, एक मुस्लिम समाज के? देखिए, तो कहे पीडीए क्या है, हम सबको सबके हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। भाई, हमने 4 कुर्मी उतार दिए मैदान में, 2 शाख के उतार दिए, 1 पाल समाज से, 1 कश्यप समाज से, 2 मौर्य समाज से उतार दिए। नहीं तो लोकसभा चुनाव में जब आप उतारने की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा चुनाव में आपके पीछे क्या मजबूरी थी? संख्या भी आपकी है, और जब आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पीडीए कैंडिडेट आप उतार सकते थे, यहाँ पर आप दिखा सकते थे कि आप पीडीए के साथ हैं। जी, सभी को हक मिलना है, पीडीए में ए में अगड़ा भी है ना, समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि वो अगड़े के साथ नहीं खड़े, अगड़े के साथ खड़े नहीं, लेकिन जितेंद्र जी यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं, सुनिए ना, 3 राज्यसभा सांसद में 1 दलित समाज से है ना। नहीं, आपके साथ पल्लवी पटेल जो है, उनका कहना है कि उनको जो समझ में आता है वो अल्पसंख्यक है, आप कह रहे हैं अगड़ा है। वो लोकतंत्र है, कह सकती है, उनको कहने का पूरा अधिकार है, विधायक जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी कहने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब आपकी पार्टी के अंदर ये क्लियर नहीं है, कुछ लोग उसे अगड़ा समझते हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक समझते हैं। देखिए, लोग सुनिए, लोग क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी कलम से बैकवर्ड है तो लोग क्या समझते हैं, और होता क्या है, इस पे न जाइए, जो समाजवादी पार्टी है बराबर बंटवारा कर रही है। आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, जितेंद्र जी। हाँ, हम बराबर ही बंटवारा कर रहे हैं, आप जोड़िए ना, कितने प्रतिशत हो गया, 13 टिकट 16 में बैकवर्ड को दिए हैं, 1 एससी है, 1 मुस्लिम है, 3 सामान्य जाति के, आप जोड़िए कितना प्रतिशत बैठा जाके, 60 से ज्यादा प्रतिशत बैठा जाके, 75-80% बैठा जाके, हिस्सा दे रहे ना हम, तो सामान्य को भी दे रहे हैं, बैकवर्ड को भी दे रहे हैं, एससी को भी दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को भी दे रहे हैं, सबको हक सम्मान, आदि आबादी को भी दे रहे हैं। उन 16 टिकटों में 3 आदि आबादी भी तो है। अभी 16 अभी अभी जितेंद्र जी अभी 16 ही तो है, 80 पे लड़ेंगे ना आप? जी, 80 पे लड़ेंगे ना आप? समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ रही है तो 80 पे तो लड़ेगा इंडिया अलायंस, उसमें समाजवादी पार्टी सीटों पर कितनी लड़ेगी, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे आने वाले समय में। 16 टिकटें हमने घोषित कर दी है, 2 और प्रभारी हमने घोषित कर दिए हैं, वो भी पटेल समाज से आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी फतेहपुर, और आपके बनारस में सुरेंद्र पटेल जी,
तो हम बैकवर्ड को, एससी को, सामान्य जाति को, आदि आबादी को, केसी जैन जी सबको तो लेकर चल रहे हैं। केसी जैन जी, देखिए जितेंद्र जी ने जो गणित सुनाई है उनका कहना है कि टिकटों में तो उन्होंने किया है, यदि राज्यसभा में नहीं किया है तो वो बैलेंस करने की कोशिश की है। देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं जितेंद्र जी, और विश्वविद्यालय में भी हम लोग काफी दिन तक साथ में रहे, एक अच्छे प्रवक्ता है और वाक्पटुता भी इनके अंदर बहुत अच्छी है। तो देखिए वो तो अपना पक्ष बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी जिसकी बात समाजवादी पार्टी के साथी कर रहे थे कि भाई हमने इतने लोगों को उतारा मैदान में लोकसभा के लिए, लेकिन इसी लोकसभा सीटों की घोषणा के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, उसमें भी तमाम सारी बातें उभर करके आई। जो प्रभारी हैं प्रदेश के, उन्होंने भी तमाम सारी बातें कही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी तमाम सारी बातें कही कि आप घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई तय नहीं किस सीट से कौन लड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो आधी आबादी की बात कही, इसी आधी आबादी के लिए जब सदन के अंदर जब ये पेश हुआ था विधेयक, तब इन्होंने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उस समय पर जब बात आई थी 33% आरक्षण की महिलाओं की, जिसको माननीय मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल में उसको लागू कर दिया, विधेयक बन गया है और आगे उसका पूरा लाभ महिलाओं को मिलेगा, आरक्षण पूरा मिलेगा सदन के अंदर। तीसरी बात ये कि जो बात हो रही है कि जो इन्होंने कहा कि भाई हम सबको साथ में लेकर के चल रहे, तो अच्छी बात है, आपके घर का मामला कह रहे हैं, घर का मामला होता बाहर तक नहीं आया होता तो आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही होती। और पल्लवी पटेल जी ने क्या कुछ कहा ये सबके सामने, अगर आपने समझा लिया होता तो बाहर नहीं आता। घर का मामला तब तक घर का रहता है जब तक घर के अंदर चर्चा हो, लेकिन जब वो पूरी अपनी आबादी के लिए, पूरे अपने समूह के लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर आए, तब आप उसको घर की लड़ाई नहीं कह सकते हैं। वो कह रही है कि भाई ओबीसी को आपने बात नहीं दिया, आपको बनना चाहिए था, हमारा नाम भेजना चाहिए था, यही चीज कहीं ना कहीं स्वयं प्रसाद मौर्या जी कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने क्या क्या कुछ नहीं कहा हिंदुत्व के बारे में, राम मंदिर के बारे में, भगवान राम के बारे में, तो कहीं ना कहीं आज अगर उनका इस तरीके का बयान आ रहा है कि आपने पहले ही आपने कहा भाई बयान दीजिए, हमने बयान दिया, अब आप करें मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो कुल मिलाकर के वो भी नाराज है, वो भी नाराज है। और ये नाराजगी अगर सड़क पर आ गई है तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि अपने वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई है। और जब वर्ग और समूह की लड़ाई हो जाए, जिसको आपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीढ़ी आपने नाम दिया, अगर उसी की लड़ाई को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब केवल और केवल एक ढकोसला साबित हुआ पीडीए का। पीडीए का जो लड़ाई आप कह रहे हैं वो केवल एक ढकोसला है। तो ऐसे में अगर ये लोग उभर करके सामने आ रहे हैं, खुल के खिलाफत कर रहे हैं, अभी पार्टी भी नहीं छोड़ी, पार्टी में रहते हुए खिलाफत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में अंदरूनी स्तर में, जिसको अंदरूनी मामला कह रहे हैं, अंदरूनी हालत कितनी ज्यादा खराब है, इसका संज्ञान समाजवादी पार्टी ने स्वयं भी लिया है, जनता के बीच में है, सबके बयान भी आ रहे हैं। और रही बात इस कैंडिडेट को लेकर के, देखिए 7 कैंडिडेट के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, वो तो जीत करके आ रहे हैं 100%, और 3 इनके लिए है, तो 3 में से उनकी क्या कंडीशन है, तीसरा जो कैंडिडेट उसको कितने वोट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्योंकि पल्लवी पटेल जी ने स्पष्ट कर दिया, स्वयं प्रसाद मौर्या जी ने स्पष्ट कर दिया, और राष्ट्रीय लोकदल है वो भी हमारे साथ लगातार संपर्क में है, तमाम सारी बातें भी आई हैं, तमाम सारी उनकी मांगे भी सामने आई हैं। तो ऐसे में जब राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, इनका तीसरा कैंडिडेट कहाँ से निकल रहा है, कैसे गणित, कौन सी गणित है, कहाँ से वोटर लेकर के आएंगे, और हमारे पास जो अतिरिक्त संख्या बल है उसके लिए अपना जितेंद्र जी का कहना है कि उनकी भी बातचीत चल रही है, आपकी बातचीत चल रही है, तो उनकी भी बातचीत चल रही है। तो ये तो कल जब वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो हमारे तो साथ के साथ, हमारा तो कोई विधायक कहीं गया नहीं, हमारे तो साथ के साथ कैंडिडेट स्पष्ट है, निकल रहे अतिरिक्त संख्या बल जो हमारे पास है, आठवां कैंडिडेट क्यों उतारा गया है, बाकी वही मैं बता रहा हूँ, हमारे पास अतिरिक्त संख्या बल है। मैं इसीलिए जो डिबेट इधर उधर जा रही थी, मैंने उसी बात को लेकर के, हम उसी बात को लेकर आए प्रियंका जी, कि जो आठवां कैंडिडेट है, जो हमारे पास अतिरिक्त संख्या बल है, तो हम एक्स्ट्रा दो चार जो वोटर है हमारे एमएलए के, या एक्स्ट्रा हमने अपने अपने लास्ट मिनट क्रॉस वोटिंग का फायदा आपको लग रहा है कि आपको मिल सकता है। जी जितेंद्र जी, बहुत कम समय आप लीजिएगा, उसके बाद मुन्ना खान जी के पास जाऊंगी। जी संजय सेठ को बना तो रहे थे ना ये लोग राज्यसभा, अब नंबर बहुत ज्यादा कम है, और संजय सेठ का तो मजाक हो गया, हमारे पास क्या कम नहीं है, हमारे पास
एकाध जो देख कम होगा भी तो हमारा मैनेज है, सारी बातचीत फाइनल है। अरे जितेंद्र जी, संशय तो अभी इधर से भी निकल कर आ रहे हैं ना पल्लवी। प्रियंका जी अब स्वीकार किया कि हमारे पास दो चार कम मैनेज हो जाएंगे? नहीं नहीं, हमने कहा कब है भाई, मैनेज मिला के हमारा पूरा पार्टी बांध रही की कम है इनके पास, हमारा पूरा है इनके पास, हमारे पास ये समझ लिए। शरद पवार की पार्टी दो बार तोड़े, अंदरूनी हालत इतना खराब है, मोदी और शाह जी का पूरी भाजपा का अंदरूनी हालत इतना खराब है। हमारे साथ आ रहा है, चलिए ठीक है आते हुए मुन्ना खान जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मुन्ना खान जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, एक तो संख्या, दूसरी तरफ पीडीए को लेकर जो सपा के अंदर के नेताओं का कहना है कि धरातल पर नजर नहीं आ रहा। केसी जैन जी, जितेंद्र जी, समय नहीं है, मुन्ना खान जी को भी समय देना है। जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपकी बार 400 पार, और वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पांव पे गिर जाती है, वही भारतीय जनता पार्टी शिंदे के पांव पे गिर जाती है, माफी मांगती है उसको, कहती है कि आप हमारे साथ आइए। लेकिन मुन्ना खान जी तो आप कह रहे हैं ना, नीतीश जी तो ये नहीं कह रहे ना। अब सुन तो ले रही जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये कहती है 400 पार, लेकिन ये चले जाती है नीतीश के द्वार, चली जाती है शिंदे जी के द्वार, ये चली जाते है वो शिरोमणि अकाली दल के द्वार, ये चली जाती है लोजपा के द्वार, तो कहा है आपका 400 पार, क्यों बातें करते हो बेकार? देश की जनता को बार बार गुमराह करने का काम छोड़िए, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ बोलने से किस तरीके का नाम सामने आया ना, उच्च पद पे बैठा व्यक्ति आज झूठ बोल रहा है, नहीं बनाया संयोजन, नहीं बनाया कुछ, नहीं बनाया आपने, और देश की जनता को जान रखी नीतीश जी ने, नीतीश जी को आपने किनारे लगा दिया। आप जाइए मीडिया पहले उनके समाजवादी पार्टी के साथ बार बार ना इंटरव्यू, बार बार जिसके साथ बार बार झूठ बोला गया, और उत्तर प्रदेश में आपको 50 सीटें, झूठ बोलना बंद कीजिए आपको 50 सीटें, और ये चोरी चकाली का काम भी बंद कीजिए। अगर जनता के मतदान का गलत अगर हनन हुआ तो जनता इस बार आपको 2024 में छोड़ेगी नहीं, घर तक खदेड़ेगी आपको। याद आपने क्या दिया नीतीश जी को, मैं कह रहा हूँ ये घर तक डंडे से खदेड़ेगी, ये देश की जनता है, अगर ये सरकार भी चलती है तो तक गिराती भी है। आप प्रधानमंत्री के लिए आप सतर्क हो जाए, 2024 के लिए, 2024 के लिए आपके पास कोई सूचना नहीं है, समाजवादी पार्टी का आपका बंटाधार होना लाजमी है, आप अभी तक समझ जाइए और युवाओं की बात कीजिए, ये तोड़ने की जोड़ने की राजनीति, किसी के दल में झांकने की राजनीति, किसी के पार्टी को तोड़ने की राजनीति, किसी के विधायक एमपी को खरीदने की राजनीति बंद कीजिए, ये ईडी सीबीआई भेजना बंद कीजिए, वो दशा होगा आपका कि आपका नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाएगा, देश की जनता की न्यू रखने वाले लोग। बस दो चार महीने का समय मित्र, घबराए नहीं, करिए ना, दो चार महीने में आपको पता लग जाएगा। नहीं ठीक है मुन्ना खान जी, लेकिन आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, लेकिन आपके साथ के जो इंडिया में घटक दल थे जो अब नहीं है, उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, वो तो सीधे आप पर आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम अकेले भी चुनाव लड़े लेकिन हमारा जो सहयोग है वो इंडिया गठबंधन को ही होगा, वैसे हम अलग चुनाव लड़ नहीं रहे। और नहीं, लेकिन आपकी बात तो नहीं बन पाई ना, नीतीश ने कहा कि कांग्रेस की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा था इंडिया गठबंधन में, इसलिए उन्होंने मुंह फेर लिया। देखिए प्रियंका जी, नीतीश ने क्या कहा इन बातों के चर्चे हो रहे, लेकिन सतपाल मलिक ने क्या कहा, क्या कह रहे, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं मोदी के बारे में, उसके चर्चे नहीं हो रहे। सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से कह रहे, मैं 1972 से जानता हूँ, मोदी से बड़ा चोर कोई नहीं है। अरे नीतीश आपके साथ थे ना, आप नीतीश का नाम ले रहे हैं तो नीतीश का एक ही बयान सुनेंगे क्या आप? नहीं तो उनके भी सुनिए ना, सतपाल मलिक के भी सुनिए कि 400 किलो आरडीएक्स मोदी साहब ने मंगवाए देवे, वहाँ जो डीसीपी था नरेंद्र सिंह उसको कहा गया कि आप 440 जवान को उसके नीचे बम लगवाइए। जवाब दीजिएगा इस पर, आपका जवाब? कोई तथ्य नहीं है, ये छटपटाहट है, ये बौखलाहट है, ये छटपटाहट मोदी चोर है, ये इंडी गठबंधन की छटपटाहट है, वो आपके दल के लोग ही कह रहे हैं। अब देखिए मोदी माँ बाप के गहने बेचे चैनल पे बैठ करके चोर कह रहे हैं, वो भी आपके दल के लोग हैं, प्रधानमंत्री को बैठ के गाली दे रहे हैं। अरे वो आपके दल के लोग हैं भाई, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जनता ने औकात दिखा दी, हमारे प्रधानमंत्री जनता ने धुतकार करके राहुल गांधी जी को भगा दिया यहाँ से, वायनाड
वायनाड भगा दिया दुत्कार करके जनता ने आप। अरे प्रधानमंत्री और आप उत्तर प्रदेश में बचे रही है दल के, ना देश में आप कहीं बचे, आप ऐसे ही गाली देते रहिए सम्मानित पद को। और इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था एमएसएसटी लगा करके, उन्होंने चोरी बक्कारी नहीं की। और आपके जितने नेता है चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, सबके खिलाफ ईडी की जांच चल रही, सब जमानत पर बाहर है। चोर कौन है, जनता जान चुकी है। और विधानसभा चुनाव में आपको 2022 के इलेक्शन में कितनी सीटें मिली, कितनी सीटें मिली, एक सीट मिली, एक सीट 400 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, एक सीट मिलती है। अरे जनता की दुत्कार जनता ने आपको किस तरीके से दुत्कारा, बैठ के गाली दे रहे चोर कह रहे प्रधानमंत्री को, वो आपसे मांगी थी आपको ऐसे वक्त। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। केसी जैन जी, मुन्ना खान जी और जितेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज्यसभा का गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां कैंडिडेट संजीव सेठ के रूप में उतार दिया है। और अब देखना यह होगा कि 8वें कैंडिडेट के बाद क्या समाजवादी पार्टी अपने तीनों कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने में कामयाब हो पाती है, या फिर राज्यसभा का गणित आने वाले समय में अलटता पलटता नजर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।